हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज था सरस्वती पूजा और 14 फरवरी, तो आज मैं गई थी शिव मूर्ति मंदिर जो कि न्यू दिल्ली में है। और जाते ही मैंने श्री कृष्ण जी और राधा रानी का बहुत ही प्यारा मूर्ति देखा और मैंने वहाँ जाके राधा रानी और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेके मैं चली गई श्री राम प्रभु और माता सीता का दर्शन लेने। और मैंने वहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता का दर्शन लिया। सच में गाइस, मंदिर में कुछ और ही सुकून मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे मंदिर जाके। और प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन के बाद मैं चली गई शिव जी को जल अर्पित करने के लिए, जो कि वहाँ पे लोटा रखा हुआ था और मैंने उसमें पानी भर लिया। और पानी भर के मैं गई शिव जी को जल अर्पित करने के लिए। और वहाँ पे बहुत ही प्यारा शिवलिंग था और मैंने शिव जी को जल अर्पित किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। मैं मंत्र जाप करके शिव जी को जल अर्पित कर रही थी। बोल रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के मैंने शिव जी को जल अर्पित किया। और फिर शिव जी को जल अर्पित किया तो वहाँ से एक फूल गिर गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा शिव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और फिर शिव जी का आशीर्वाद पा के मैं गई शिव जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बहुत ही बड़ी, बहुत ही प्यारी शिव मूर्ति थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम शिव मूर्ति रखा होगा। वहाँ पे नंदी महाराज भी थे, आप लोग देख सकते हैं नंदी महाराज। और फिर पार्वती माता, गणेश जी, कुमार जी और शिव जी। वहाँ पे मूषक राज भी थे। मैंने सबका दर्शन लिया, महादेव, पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी, मैंने सभी का दर्शन लिया। सच में शिव मूर्ति बहुत ही प्यारा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आप लोग देख सकते हैं शिव मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बड़ा था। और शिव जी के जटाओं से जल प्रवाह हो रहा था जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने शिव जी का दर्शन लिया और मैंने ऊपर देखा शिव जी के जटाओं में और फिर त्रिशूल में, नाग में पशु पंछी आके बैठ रहे थे। वो दृश्य बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था गाइस। शिव जी का ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा गाइस, बहुत ही, कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे तो आप लोग खुद देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुंदर शिव मूर्ति था। और मैं इस मंदिर में पहली बार आई थी गाइस, मुझे बहुत ही प्यारा लगा शिव मूर्ति मंदिर। और शिव जी के दर्शन करने के बाद मैं चली सीढ़ियों से नीचे की ओर। और नीचे की ओर जाने के बाद मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा हवा भी आ रही थी गाइस। और मैं वहाँ से आई और वहाँ से आने के बाद मैं गई श्री कृष्ण और राधा रानी के मूर्ति के पास, जो कि बहुत ही प्यारा था। और मैंने चारों तरफ देखा शिव जी और उस तरफ देखा श्री राम और माता सीता। इतना प्यारा मंदिर गाइस, आप लोग भी ज़रूर आना एक बार। वहाँ पे पशु पंछियाँ, वाह, बहुत ही प्यारा मंदिर गाइस, बहुत ही सुकून। आपको अगर दर्शन करना है तो आप लोग आ सकते हैं। और आज सरस्वती पूजा था तो मैं भी इसीलिए आई थी। सरस्वती मंदिर तो मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने ये एक दिन देखा था ये मंदिर, तो मैं यहाँ आई थी। राधा रानी और श्री कृष्ण जी के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। और मैंने उनका बहुत अच्छे से दर्शन किया। मैंने वहाँ पे बहुत ही, मतलब, सुकून के पल वहाँ पे बिताए, मैंने बहुत ही सुकून मिला। और मैंने सोचा राधा रानी के चरण स्पर्श करके मैं उनका दर्शन लूँगी, और मैंने राधा रानी के चरण स्पर्श किए और उनका दर्शन लिया। इतना सुकून गाइस, लाइफ में इतना सुकून तो कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है मुझे, जो कि भगवान के चरण छूने से, उनके आशीर्वाद लेने से मिलता है। और राधा रानी के चरण छूने के बाद मैंने मूर्ति परिक्रमा की, राधा रानी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति परिक्रमा की।
और मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के भी चरण छूने की कोशिश कर रही थी, पर वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच पाएगा और श्री कृष्ण जी के दर्शन मैंने दूर से ही कर लिया। वहाँ पे मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे जैसे मैंने राधा रानी का दर्शन किया था। और उसके बाद हम लोग घर जाने लगे गाइस पैदल। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, बाय।